नमस्कार दोस्तों, औजार नाउ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वॉश बेसिन का ये जो है सिंक का है ये कैसा चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके इधर कोई सिंक है और वो लीकेज हो रहा है, जो बर्तन धोने का जो सिंक रहता है वो, तो आप ऐसा कीजिए, ये बाज़ार से नया लेके आए मार्केट से। ये देखिए, ये नया लाया है, ये निकाला मैंने। और ये देखिए, ये ऊपर का ऐसा मुंडी खुली है, इसका ये नट खोलिए। ये खोलने के बाद ये ऐसा गिरेगा, ये देखिए दोस्तों। फिर क्या करें, ये देखो यहाँ एक नट लगा है। अब ये नट कैसा खोले, इसको दोनों बाजू में ऐसा खाँचा है, ये देखिए ये खाँचा दिया गया है, खाँचा है देखिए। अब ये खाँचा कैसा खोले, ऐसा एक तो हाथ से खोले दबा के, और नहीं है तो चम्मच वगैरह ऐसा कुछ डाल के ऐसा घुमा के ऐसा खोल सकते हैं। ये देखो मैंने खोला है खाँचा, इसके नीचे नट लगा है, ये देखिए, ये देखिए नट निकला। नट निकले बाद दोस्तों ये अलग हो जाएगा। अब क्या करें, वॉश बेसिन के ऊपर से ये पीस लगाए और नीचे से ये पीस लगाए, ये ऐसा नीचे से डाले और बीच में वॉश बेसिन रखे, और इसके ऊपर ऊपर से ये पीस लगा के ये ऐसा लगा दीजिए। ये रबर की पैकिंग नीचे से टच हो जाएगी वॉश बेसिन को, और ऊपर से ये आ जाएगा, और ये ऐसा आप ऐसा लगा दीजिए। तो क्या है, ये स्क्रू में ये टाइट हो जाता है। फिर आपने ऐसा लगाने के बाद बीच में वॉश बेसिन आ गया, ये टाइट हो गया। इसके बाद दोस्तों ये ऊपर का जाली है, मतलब कोई बड़ा कचरा नहीं जाए इसके लिए जाली यूज़ करते हैं। अब ये रबर की पैकिंग हमें निकाल देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहीं गांव जाते हैं, घूमने जाते हैं और वॉश बेसिन पैक करके रखना है, तो उस वक्त ये रबर की पैकिंग आप लगा सकते हैं पूरा क्लोज करने के लिए, मतलब कोई भी कीड़ा जंतु यहाँ से नहीं आना चाहिए इसलिए। अन्यथा ये आप निकाल सकते हैं, ये निकाल दीजिए। और ये निकालने के बाद ये स्क्रू देखिए, ये मैंने ऐसा डाल दिया है, और ये देखिए इसको मैं ऐसा टाइट करूँगा, और इसके बाद मैं ये इसमें इसको देखिए, इसको एक बॉल दिया गया है, ये आपको दिखता भी होगा, ये बॉल है, ये देखो ये मैं दबाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये बॉल है, ऐसा बॉल है, ये बॉल की वजह से ये जैसा अंदर जाके टाइट हो जाता है, देखिए। अब ये मैं इसके ऊपर से ऐसा दबा दूँगा, तो आपका ये वॉश बेसिन का जो है इसी प्रकार से लगा सकते हैं आप, और घर के घर में आप यूज़ बदली कर सकते हैं। और दूसरी बात, नीचे से भी इसको ये पाइप है नीचे से देने के लिए, ये देखिए फोल्डिंग वाला पाइप है, ये जैसा चाहे वैसा मुड़ता है। ये देखिए मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए मैं ऐसा खोला इसको, ये जैसा चाहिए वैसा आप जैसा मांगता है वैसा मोड़ सकते हैं इधर उधर ऐसा। तो ये जो पाइप है, ये पाइप आप नीचे से वॉश बेसिन को इस प्रकार लगा सकते हैं, और ये टाइट होने के बाद ये आप कहीं भी, मतलब जैसा आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बेसिन में पानी के, जहाँ ड्रेनेज लाइन रहती है वहाँ आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये सिंक का घर के घर में अगर ये नाप ख़राब होता है तो बदली कर सकते हैं। इसको सिंक वेस्ट कंपाउंड बोलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये दिखाया है, और मुझे लगता है कि जिसको भी ये समस्या आएगी वो घर के घर में समस्या का समाधान कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।